हां जी गाइस, आज की वीडियो दे विच तुहानू पता लगेगा कि तुसी किस तरह अपनी रीडिंग दे विचो 9 बैंड 8.5 बैंड और 8 बैंड ले सकते हो। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। गाइस ज्यादा स्टूडेंट्स है, बिगिनर दी गल कर लो ते चाहे गल कर लो फ्लायर दी, चाहे गल कर लो तुसी मीडियम लेवल दी मूवर्स दी जिन्नू तुसी कह दिंदे हो। अजकल बड़े स्टूडेंट्स है जस्ट रीडिंग इम्प्रूव करने वाल ध्यान दे रहे हैं, रीडिंग दी टिप्स जानन ते ध्यान दे रहे हैं, रीडिंग दी ट्रिक्स, रीडिंग दे सिनोनिम्स, बट उन्हां नूं ए नहीं पता रीडिंग दे आंसर ट्रांसफर करने कैसे। ओवे उन्हां नूं सारे आंसर सही है 40 च 40, ठीक है, बट ट्रांसफर करन दा पता ही नहीं तरीका, आपे 4.5 बैंड ही होने। अज दी वीडियो स्किप बिल्कुल भी ना करना, पूरी वॉच करना टिल एंड, ते वधिया लगे देन गाइस शेयर करन दे विच नो कंजूसी, अपने पंजाबियों का काम ही है कि पर हर चीज शेयर करके खाने हैं, ठीक है। सो इस वीडियो नु भी शेयर करो वध तो वध एंड जॉइन माय चैनल ऑन टेलीग्राम टू लेटेस्ट मटेरियल आल्स विद सोफिया। ओके गाइस नाउ वी विल स्टार्ट। हुन मैं तुहानू दसन लगी हां आंसर शीट दे उत्ते तुसी अपने रीडिंग मॉड्यूल दे किद्दां आंसर ट्रांसफर कर सकते हो। पहली गल तां इह है कि तुहानू उत्थे एक ही शीट मिलनी है लिसनिंग दी वी ते पिछे बैक साइड उहदे रीडिंग दी, ठीक है। दूसरी गल इह कि इह देख के आंसर ट्रांसफर करिया जे कि आ लिसनिंग दी है ना ते पिछे रीडिंग दी, इह ना होवे रीडिंग दे आंसर तुसी लिसनिंग ते कर दो ते रीडिंग दे आंसर लिसनिंग ते, ते जदों कंप्यूटर चके कंप्यूटर ने कहना वै रीडिंग दे जेरे आंसर सी ओ तां तुहाडे मैच ही नहीं हो रहे क्योंकि तुसी आंसर ही सारे इत्थे ट्रांसफर लिसनिंग दे किते है, तां फिर बैंड स्कोर आपे खुद ही देख लो किथे जाणगे, मेरे दसण दी नीड ही नहीं हैगी। ओके गाइस सब तो पहला आपां गल करिए कि आंसर आपां ट्रांसफर किदां करने आ रीडिंग दे विच। देख लो मान लो तुहाडा आंसर एक हैगा वै फैक्टर, बड़े बच्चे कहिंदे आ कि मैडम असीं स्मॉल लैटर्स विच वी तां आंसर ट्रांसफर कर ही सकदे आ, की चक्कर है इहदे विच। गाइस मैं तुहानूं इही कहांगी ट्रांसफर आंसर छोटे लैटर्स दे विच ना करके आया जे, जस्ट वड्डे लैटर्स विच करके आया जे। तुसीं इहनूं भी मार्क करना जरूर, जेकर तुहाडा अकैडमिक है तां अकैडमिक, जेकर जर्नल है तां जर्नल, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਟੀਚਰ ਭਾਵੇਂ ਔਨਲਾਈਨ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਨੋ ਐਂਡ ਨੈਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਲਿਖਣੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਲਿਖਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ ਆਂਸਰ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਟੱਚ ਨਾ ਥੱਲੋਂ ਟੱਚ, ਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਥੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਟੱਚ ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਦਿਸਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਡ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਟੱਚ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਈ ਹੈ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ, ਆਵਲੀ ਈ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਐਫ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਫ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਚੱਕਣਾ ਐਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਲਿਖਿਆ ਵੈ, ਬਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਚੱਕਣਾ ਵੈ ਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਲੀ ਆਈ ਨੀਚੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲਓ ਨੇ ਵਰਡਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਈ ਐਲ ਜੇ ਨੀਚੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਡੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਡੀ ਆਹ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ,
किन्ने इदां दे वर्ड्स होणगे जिहड़े तुसीं गलत लिखदे होगे, तुसीं समझदे हो कि बस साढ़े 33-38 आ गए, पर तुहानूं इह नहीं पता ट्रांसफर तां गलत कित्ते आ। समझ लगी गाइज़? सो प्लीज़ एवें ही प्रैक्टिस करो, अपने तो प्रिंट कढ़वा के इस दे उत्ते प्रैक्टिस करो तां कि एटलीस्ट तुहानूं वे पता लग सके। ठीक है, सब तो करैक्ट वे है आ वाला। एक मैं तुहानूं एक होर वर्ड लिख के विखानी आ, फॉर एग्जाम्पल आपां लिख लीए अर्ली। कोई वर्ड टच नहीं करना कोई भी। एक अजकल बड़े बच्चे पेंट ही चलिया मैनूं तां लगदा आ वाली ए दा। हुण मेरी वीडियो नूं वॉच करन तों बाद जिन्हां दे कोल कंप्यूटर लैपटॉप हैगा तां ठीक है, जिन्हां दे कोल नहीं हैगा वह अपने मोबाइल फोन दे विच वेखन कि आ वाली ए आंदी है, आ वाली आंदी है। प्लीज़ इन्हां गल्लां दा ध्यान रखो। डी भी तुसीं इदां पाउंदे हो, उन्हें तुहाडे स्टाइलिश वर्ड नहीं देखने, उन्हें तुहाडा सही ढंग वेखना है। कंप्यूटर ने सिंपल जे देखने हैं, फ्रेंड्स को ज़्यादा वर्ड सिंपल वे राइट। ठीक है, निंग दा भी इदां ही है। आवे मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स नूं दस्या सी इदां। ठीक है गाइज, कॉमेंट बॉक्स के विच जरूर दस्या जे वीडियो किस तरह की लगी, तो जेकर तुहानूं वधिया लगी है दैन शेयर करिया जे वध तो वध अपने फ्रेंड्स के नाल, तां कि उन्हां दी छोटी जी गलती उन्हां नूं नैक्सट टाइम 15,000 दे विच भारी ना पवे। ठीक है, ओके, गॉड ब्लैस यू, बट डोंट फॉरगेट टू सबसक्राइब माई चैनल एज वैल एज लाइक माई चैनल।